बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूँ शिवानी। मैं हूँ कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस, आज की वीडियो FG ऑफिशियल चैनल से है और वीडियो का नाम है हज़रत खालिद बिन वालिद और जंग में शिकस्त, इमोशनल बयान बाय मौलाना मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ा। तो इनके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो करी थी, हज़रत खालिद बिन वलीद। और ये बहुत ही कमानदार कह लो, एक तरह से बहुत ही बड़े किस्म के कमानदार थे ये, काफ़ी नाम था इनका। तो अब इनके बारे में और जानते हैं, क्या कहते हैं मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं। रबिल्ला बिन अहम के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद की लड़ाई थी और रूमियों का लश्कर बहुत बड़ा था और हज़रत खालिद बिन वलीद के पास थोड़े लोग थे। लेकिन हुआ ऐसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद जिस जंग में भी गए हैं, फतह के परचम गाड़ के आए, लेकिन ये पहली जंग थी कि जिसमें उनका पल्ला भारी दिखाई दे रहा था और इनके कदम उखड़ रहे थे। हज़रत राफे ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, लगता है आज कज़ा आ गई, आज नहीं हम बच सकते, हालात जो है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे, हाँ मुझे भी यही लगता है कि कज़ा आज आई ही आई। उधर हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में मिले और वो अपने घर में सोए हुए थे मदीनतुल मुनव्वरा में। कहा, अल्लाह का शेर मुश्किल में फंसा हुआ है और तुम सोए हुए हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को ही उठे, बेदार हुए और ऐलान करवा दिया, शहर में ऐलान होने लगा मदीनतुल मुनव्वरा में, जल्दी तैयार हो जाओ हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुँचना। उन्हें कितना यकीन था कि हुजूर ख्वाब में आए हैं तो हुजूर ही आए हैं, कोई वहम नहीं समझा। जल्दी जल्दी ऐलान करवा दिए, मुजाहिद जमा होने लगे और देखते देखते लश्कर तैयार हो गया। तो इन्होंने महसूस किया कि लश्कर से हट के कोई सवार चल रहा है, तो इन्हें कोई शक गुजरा कि कोई जासूस ना हो। जरा मजीद उसकी जस्तजू की तो वो नकाब पोश भी था, तो शक और ज्यादा बढ़ गया। तो हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके लाओ, ये जासूस है, कौन है, हम इसकी तफ्तीश तो करें। तो खैर उन्होंने घेर लिया उनको, उनके घोड़े को अबू उबैदा के करीब ले आए। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने थोड़ा सा करीब होकर कहा कि मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हूँ। जब आपने ऐलान किया कि खालिद मुश्किल में है तो मैं परेशान हो गई कि अल्लाह का शेर तो कभी मुश्किल में आया नहीं था, आज क्या हुआ? तो मैंने गौर से देखा कि वो अपनी टोपी घर भूल गए थे, जिस टोपी के अंदर हुजूर के मुंह मुबारक सिए हुए हैं, और वो जब भी जंग किया करते थे तो वो टोपी अपने सर पे पहन के किया करते थे, अल्लाह फतह अता करता। तो मैं उनको टोपी देने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये लोग वहां पहुंचे तो सवारों का एक काफिला आगे बढ़ के खालिद बिन वलीद के साथ दुश्मन पर हमला आवर हो गया। एक नकाब पोश सवार आगे बढ़ता है और हाथ में तलवार है और दुश्मन पीछे हटता चला जाता है। तो खालिद बिन वलीद को रश्क आया उसकी बहादुरी पे और खुश भी हुए और हालते जंग में अपने घोड़े को एड़ लगा करके उस सवार के करीब हुए और कहा, नकाब पोश जवान तुम कौन हो, इतनी बहादुरी से लड़ रहे हो? तो उसने हल्का सा नकाब उलट के कहा, पहचानो तुम्हारी बीवी उम्मे तमीम हो और तुम्हें वो टोपी देने आई हूँ जिसके अंदर हुजूर के बाल सिए हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद को उन्होंने टोपी अता की और उन्होंने सर पे रखी। अल्लाह ने उसी दिन मुसलमानों को फतह अता कर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों की बरकत थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर के मुबारक बाल थे। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मदीने में अगर किसी को नज़र लग जाती या कोई बीमार पड़ जाता तो वो उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आ जाते, तो वो फिर डबिया से बाल निकालती और पानी के गिलास में उन बालों को जुम्बश देती और उन बालों की बरकत से वो पानी
जब बीमार पीता अल्लाह उसको शिफा अता करता। ये हुजूर के मुबारक बालों की बरकत है। अल्लाह अकबर। और एक दिन हुजूर गुसल करके आए और स्याह रंग के मुबारक बालों, अल्लाह अकबर का हुस्न और नमाया हुआ, तो हुजूर ने ऐसे हाथ डाल करके एक बाल अलग किया और साथ इरशाद फरमाया, मन अजा शारतम मिन शारी फल जन्नतो अलैहि हराम। सुन लो, जिसने मेरे बालों में से एक बाल को भी अज़ियत दी उस पर अल्लाह की जन्नत हराम है। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के नौकर हैं। हुजूर तो हुजूर रहे, हुजूर के बालों की तोहीन भी गवारा नहीं है। इकबाल कहा करते थे, लोग बातें करते हैं, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि कोई कहे तेरे पैगंबर के कपड़े मैले थे, हम तो ये भी गवारा नहीं करते। मगरब इस कैफियत को समझता नहीं है और वो समझता है कि शायद इन हरकतों से मैं मुसलमानों के दिलों से उनके पैगंबर की अजमत को छीन लूंगा, निकाल दूंगा। लेकिन उसे भूल हो गई है, ये हजार गुनाहगार सही, बदकार और स्याहकार सही, दुनियादार सही, ये कारोबारी सही, लेकिन जब अपने दिल का सौदा करने की बारी आए तो मदीने की गली में करते हैं। और सब कुछ लुटाने के बाद भी कहते हैं हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। हमारी जाने, हमारे माँ बाप, हमारी नस्लें, हमारी जिंदगी का एक एक गोशा हुजूर के नाम पे कुर्बान। हुजूर के नाम का झंडा कभी नीचा नहीं हो सकता, उनके नाम का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का थूका उसके अपने मुंह पे आ गिरेगा। तब्बत यदा अभी लह बिम व तब का ताजियाना आज भी दुश्मनाने रसूल और शातमाने रसूल पे बरस रहा है, और मेरे नबी का नाम कल भी ऊंचा था, मेरे नबी का नाम आज भी ऊंचा है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हमें गौर करना होगा कि आज हमारे ऊपर ये जो आजमाइशें और ये इब्तलाएं हैं और ये इम्तिहानात से हमें गुजरना पड़ता है, इससे दर्दनाक इम्तिहान उम्मत के लिए क्या हो सकता है। तो क्या अब भी हम फिरकों में बटे रहेंगे? अब भी हम एक दूसरे के गिरेबान नोचते रहेंगे? आज भी हम जो है वो गफलत की जिंदगी गुजारेंगे या अपनी जिंदगी की एक एक सांस हुजूर के कदमों में रख देंगे? तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपनी एक एक सांस हुजूर के नाम पे कुर्बान करें। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो और आखिरी सांस तक हुजूर के वफादार रहेंगे। और ये हमारी जुबान से नहीं, हमारे कल्ब से, हमारी रूहों से हमारा अहद है, हमारा इरादा है। हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारी नस्लें आप पे कुर्बान। हाँ जी, तो हजरत खालिद बिन वलीद, इनके वाक्य बताया गया है कि ये एक जंग में थे और ये जंग में ना इनके अगेंस्ट जो थे वो रोमन्स थे। तो वो जंग में ना, क्योंकि रोमन्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी और इनके साथ जो भी लोग थे वो कम थे, तो उनका थोड़ा पलड़ा भारी हो रहा था। और ये पहली जंग है जहाँ पर हज़रत खालिद बिन वहीद को ऐसा खुद को फील हुआ कि हमारा पलड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उनका ज़्यादा हो रहा है। तो फिर किसी के वहाँ मदीना में, किसी के सपने में ये बात आई, मदीना या मक्का में कि कोई था, उनके सपने में ये बात आई कि हुजूर उनके सपने में आए और बोला कि अल्लाह का शेर खतरे में है और तुम यहाँ पर सो रहे हो। तो ये बात बोली, तो अगले दिन उन्होंने उठ उठ के पूरे फरमान, मतलब पूरा ढिंडोरा पीट दिया कि एक तरह से कि हमने इकट्ठे हो जाओ, लश्कर इकट्ठा करो, हमने हज़रत खालिद बिन वलीद के पास जाना है उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने, उनका साथ देने के लिए। तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, काफ़ी भीड़ हो गई, तो हो ही रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि एक एक कोई नौजवान या एक कोई शख्स था, एक जो काले कपड़े में, उन्हें अपना सब कुछ नकाब लिया हुआ था, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। उनको शक हुआ कि भाई ये ना दुश्मन का आदमी हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको पकड़ो। तो जब सारे लोगों ने मिलकर उसने पकड़ लिया, तो फिर उसे पूछताछ किया, उसे देखा, नकाब उतारा और पता पे पूछा, तो पता लगा कि ये हज़रत खालिद बिन वहीद की वाइफ है, उनकी बीवी थी।
और वो उन्होंने बताया कि मुझे जब ये पता लगा जब आपने ऐलान करवाया कि हज़रत खालिद बिन वहीद को मदद की ज़रूरत है, उन्होंने कहा आज तक इतनी जंगों पे गए हैं वो, आज तक कभी उनको मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आपने ये कह दिया कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगा या मुझे मैंने देखा कि जो उनकी जो टोपी थी ना, जो वो हमेशा अपने साथ जंग में लेके जाते थे, जहाँ पर नबी के वो चीज़ मेरे को समझ नहीं, नबी हुजूर के बालों से क्या मतलब, क्या लिखा हुआ था कुछ या क्या किया हुआ था, या उस पर बाल लगाए हुए थे, तो ऐसा कुछ था, कुछ बालों से मे भी बाल लगाए होंगे या बाल से कुछ बनाया होगा, कुछ भी होगा, तो हुजूर के बाल इन्वॉल्व थे उनमें, हुजूर के बालों से कुछ ना कुछ बनाया हुआ था, तो जहाँ भी ये जंग पे जाते थे वो टोपी अपने सर पे रख के जाते थे, पहन के जाते थे, और हमेशा ये उस जंग जीतते थे। तो फिर पूरा लश्कर लेके इनकी वाइफ उनके साथ सारे गए, और इनके साथ जब वो जुड़ने वाले थे मिल गए, तो कुछ लोग तो पहले उनके साथ जो जंग हो रही थी वहाँ पर चले गए, तो इनकी जो वाइफ हैं वो उन्होंने नकाब पहना हुआ था और वो गई उनके आसपास ही और लड़ने लग गई। तो उनकी बहादुरी देख के ना, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनकी बहादुरी देखी कैसे वो लड़ रही हैं, उनको पता नहीं था कि ये मेल है फीमेल है, क्योंकि पूरा नकाब पहना हुआ था, तो वो जाम उसके उनके पास आई तो ललक हो जाती है ना जानने की भाई ये बंदा कौन है, इतना अच्छे से लड़ रहा है, इतना ये बढ़िया है। तो वो उनके पास आए, पूछा कि नौजवान तुम कौन हो, काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे हो। तो जैसे उन्होंने मास्क हटाया, कहा देखो मैं आपकी वाइफ ही हूँ, तो आप ये टोपी घर पर भूल आए थे तो मैं वो देने आई हूँ। तो जैसे ही उन्होंने टोपी अभी पहनी और बाकी लश्कर के साथ जोड़ा, तो उसी दिन इनको फतह हो गई, उसी दिन रोमन हार गए और ये जीत गए। हाँ, तो ये चीज़ बताई गई कि ईमान की जो ताकत है ना वो काफ़ी है। हुजूर के बालों से बनी हुई वो टोपी इन्होंने जैसी पहनी, उनके अंदर जज्बा आया, जुनून आया, और उन्होंने रोमन्स को हरा दिया। और एक और चीज़ बताई कि मदीना में जिसको इसको बुखार होता या कुछ होता था ना, तो वैसा करते थे वहाँ पर ना, हुजूर के बाल कुछ संभाल के रखे हुए थे उन्होंने, तो पानी का गिलास लेके वहाँ बाल को लेके उस पर फेर देते थे, बाल उसके अंदर या उसके ऊपर कुछ फेर देते थे, और वो पानी फेर देते थे पीने को कि भाई आप ये पानी पियो। तो हुजूर के बालों में इतनी एक तरह से बरकत थी ना, कि वो पानी पीने से जो बंदा दिक्कत में होता था उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता था, वो ठीक ठाक हो जाता था। हाँ जी, बाल तो एक जरिया था, सबसे बड़ी बात होती है ईमान की। अगर आपने ईमान लाया हुआ है और आप बिल्कुल अच्छे से मानते हो तो सोचने से भी हो सकता है, बिल्कुल। ऐसा हाँ। नहीं कि बाल हो कोई नहीं, आप अपने अगर आप सच्चे हो, आपका ये ईमान सच्चा है, आप मन में अपने दिल से एक बार हुजूर का नाम लो और दिल से आप मांगोगे ना, तो वो सुनी जाती है बात, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बाल तो जरिया है एक। हाँ, तो मेन है कि आपकी ईमान की ताकत पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल। और इनका बहुत बड़ा नाम है इनका, हज़रत खालिद बिन वलीद। आप कोशिश करेंगे अगर आपके पास कोई इनकी वीडियो से रिलेटेड कोई वीडियो होना जिसमें इनकी कंप्लीट डिटेल्ड बताई हुई हो, तो प्लीज़ वो आप ज़रूर मेल करना, आप अदरवाइज हम ही ढूंढेंगे, या तो फिर या आप भेज दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। हाँ जी, तो चलते हैं गाइस, एफजी ऑफिशियल चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।